हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद दीतिमन। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 50,000 पदों का जो विज्ञापन जारी हुआ, फॉर्म फिल किए स्टूडेंट ने, यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा। तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 सितंबर और 3 सितंबर यानी संडे के दिन भी जो है इंटरव्यू रखा गया है। तो 2 सितंबर और 3 सितंबर को जो इंटरव्यू में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आगामी दिनों में जो स्टूडेंट इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल याद करके जाएं। तो सबसे पहले जो है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट से यहाँ पर इंट्रोडक्शन पूछा गया, उनका जो है वो परिचय पूछा गया कि आप जो है वो कहाँ पर रहते हैं, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कॉमन रहा है कि आपके जो ब्लॉक है उसके जो है विधायक कौन है, या फिर गाँव के सरपंच प्रधान कौन है, BDO, CBEO या EO, इनके नाम जो है आपको याद करके जाना है। पूछा गया कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक शांति और अहिंसा विभाग जो है, यहाँ पर आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। तो बिल्कुल सटीक सा आंसर जो है वो आप लोग लाइन याद करके जाएंगे कि आपका जो है यहाँ समाज सेवा में कार्य करने का बिल्कुल मन है। ये कोई भी स्टूडेंट नहीं कहेगा कि वो पहले से ही जो है वो जॉब में है, ठीक है। अगर जॉब कर भी रहे हैं तो भी नहीं कहना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर, कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, जैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, तो ये क्या है, तो थोड़ा बहुत जो है इनका जो है याद करके जाएं, ध्यान में जो है वो आप रखें। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना जो है, उसमें कितने रुपए तक का बीमा होता है, ठीक है, फटाफट से आपको जवाब देना है। 10 लाख का बीमा होता है। और वो जो दूसरी स्वास्थ्य बीमा योजना है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें कितने तक का बीमा होता है, तो 25 लाख तक का बीमा होता है, ठीक है। बाकी जो है कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे गए, हमारे खेल मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, तो ये टिप्स पर जो है वो आपके आंसर होने चाहिए। तो वीडियो जो है वो बिल्कुल बार बार जो है वो आप सुने, और जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ इनके आंसर जो है वो बिल्कुल रट के जाएं। वृद्धावस्था पेंशन योजना में महिलाओं की उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए, ध्यान रखना है 55 साल है, और पुरुषों की जो है वो कितनी है, 58 साल है, ठीक है। और तो ये जो है शांति और अहिंसा विभाग से वैकेंसी आई है, तो पूछा जाएगा कि शांति और अहिंसा विभाग किस महापुरुष के विचारों पर स्थापना जो है इसे किया गया है, तो महात्मा गांधी जो है इनका नाम जो है वो आप बोलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे गए कि हर साल जो है वो अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल माइंड में फिट कर लें इस बात को, 2 अक्टूबर आपको आंसर देना है, 2 अक्टूबर को, ठीक है, महात्मा गांधी की जन्म तिथि है 2 अक्टूबर, तो तभी जो है अहिंसा दिवस हर साल मनाया जाता है। पूछ सकते हैं कि किसानों के लिए चलाई जा रही जो 2 योजनाएं हैं उनके नाम क्या क्या हैं, तो आपको याद रखना है, एक तो किसान मित्र योजना है, आप न्यूज़पेपर में आए दिन पढ़ते ही हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, कृषक साथी योजना है, और तारबंदी योजना है, ये इस तरीके की योजनाओं के नाम आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन जो है वह भी पूछा गया स्टूडेंट से कि मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, ठीक है, ये क्या है, तो आप जो है वो बिल्कुल बता देंगे कि इसमें जो है 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, ठीक है, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर ना, और जो है हल्दी और तेल, 1 लीटर तेल जो है इसमें दिया जाता है, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के अंतर्गत। बाकी जो है वो अपने प्रधान सरपंच विधायक BDO, CBO, EO इन सबके जो है वो नाम आप जो है याद रखेंगे। आप अगर ब्लॉक से आपने फॉर्म फिल किया है, आप ब्लॉक्स में यानी शहरों से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ जो है वो आप अपने विधायक का नाम जो है वो बिल्कुल याद करके जाएंगे। गाँव से अगर हैं तो सरपंच और प्रधान का नाम जो है वो बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं, योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, और शांति अहिंसा विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, बाकी जो है वो आप लोगों का इंट्रोडक्शन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल हर एक से पूछा गया है कि आप जो है इसे ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल यही लाइन जो है वो याद करके जाएं कि मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट है सोशल वर्क करने में, और मैं पूरा जो है समय इसी में जो है वो बिताना मुझे पसंद है, ठीक है, यही चीज जो है वो आपको बोलनी है। आपसे अगर पूछा जाएगा आप जॉब करते हैं, तो बिल्कुल आप लोग डिनाई कर देंगे कि हम जो है इस वक्त बेरोजगार हैं, किसी भी प्रकार की कोई जॉब जो है वो नहीं करते हैं, यदि आप करते भी हैं तो भी आप जो है वहां पर मना करेंगे। तो चलिए, आगामी इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका भी इंटरव्यू होगा, और सभी चीजें जो है वो बिल्कुल याद करके समझ के जाना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।